नाइग्रा फॉल ने बच्चा दे दिया, पाकिस्तान में भी नाइग्रा फॉल है भाई, कौन कहता है नाइग्रा फॉल कनाडा में। भाई सब लौंडे ऊपर पहाड़ पे चढ़ के नीचे कूद रहे हैं। स्कूल जाती है। टाटा बाय। पहले नीचे जाना। I wanted to go to Kashmir. Oh good. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जगह के बारे में बे इंतहा तारीफें सुनी हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको ये महसूस हुआ हो कि यार ये जगह तो और ज्यादा तारीफें डिजर्व करती है। तो हमारा काफिला जो है बिल आखिर ऐसी ही जगह का रुख कर रहा है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। तो भाई अपनी सीटों की पेटियां कस लें और आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपका भाई आखिर में ऐसी शानदार किस्म की आबशार दिखाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जहां बैठे हैं वहां से छलांग मारेंगे और बोलेंगे कि चलो यार कश्मीर चलते हैं। तो हमारे पीछे ये खूबसूरत से शानदार से पहाड़ देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग पता नहीं इस टाइम पे कहां मौजूद हैं। तो हम लोग हैं मरी के पास ही हैं और हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर, जो कि यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है। It's actually closer than I expected. मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कश्मीर बहुत ही दूर है। Well, कश्मीर भी काफी रकबे पे फैला हुआ है। तो कश्मीर मुजफ्फराबाद जो है वो इस्लामाबाद से 4-4.5 घंटे दूर है, और फिर उससे आगे मजीद अगर आप ऊपर नीलम वैली की तरफ जाना चाहें तो वो 3-3.5 घंटे। Which we will, we actually will. हम लोग बिल्कुल यही करेंगे। लेकिन अभी क्या पहाड़ है और कितनी आबादी हो गई है। मैं जब पहले लास्ट टाइम आया था 4 साल पहले मरी, तो इतनी आबादी नहीं थी। अब तो यहाँ पे पूरे पहाड़ों पे जो है वो घर ही घर हैं लोगों के, और ये नज़ारे हैं हमारे पीछे। और बेस्ट थिंग ये है कि इवन दो इट्स बॉइलिंग हॉट, यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है। मरी और झील का पूर्व है मुजफ्फराबाद से 1.5 घंटे की दूरी पे, और इस वक्त हमें है तलाश पकौड़ों की और फल की, बिकॉज वी लव टू ईट एज वी ट्रैवल। तो प्लान ये कि जो अगला जो भी स्टॉप आएगा अच्छा पकौड़ों का, हम वहाँ रोकेंगे, पकौड़े खाएंगे, बिकॉज यहाँ के पकौड़े बहुत स्पेशल होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलते ये पकौड़े। और ये देखें व्यू आप देखें। Welcome to Kashmir. तो हम लोग यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ पे हमने जल्दी से एक छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है। क्या नाम है इस जगह का, माशाल्लाह कश्मीर के मशहूर पकौड़े खान सब्ज़ी एंड फ्रूट शॉप। तो हम बस यहाँ से जल्दी से पकौड़े ख़रीदेंगे। ये भाई यहाँ पे बड़े गर्मा गर्म खस्ता करारे पकौड़े हमारे लिए बना रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जुगनू। जुगनू भाई क्या खूबसूरत नाम है। तो खूबसूरत पकौड़े, खूबसूरत नाम, बस ये लेंगे, उसके बाद फिर वापस अपने रास्ते पे गामजन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नया यहाँ पे मेरे ख्याल चिप्स लग रहे हैं। तो मुझे नमक पारे पकौड़े ही होते हैं ना? नहीं, पकौड़े ये होते हैं, नमक पारे वो होते हैं जो तुम्हारे हाथ में। चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगी है। आई ड्रॉप्ड इट बाय एक्सीडेंट। यहाँ पहुँचते ही अंगूर ले लिए, दे लुक सो गुड, स्टार्विंग। ये लोग पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, जलेबियाँ, एंड आई एम हैविंग, ओके, इतने मजे के, इतने मीठे हैं, ये पता नहीं क्या है। ये कचौरियाँ हैं जीरे वाली, नमकीन। तो
तो हम लोग इस टाइम पे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पीछे झंडा देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि हम लोग हैं आजाद जम्मू कश्मीर में। और जिस जगह हम लोग हैं, इस जगह का नाम है मुजफ्फराबाद, जो कि आजाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल है। लेकिन हम मुजफ्फराबाद में ज्यादा देर के लिए नहीं है, हम सिर्फ रात को स्टे कर रहे थे यहाँ, बिकॉज हमें आज आगे जाना है टूवर्ड्स नीलम वैली। नीलम हम आ रहे हैं इंतजार करना, मुनीर ओ नहीं क्या गजनफर तो नीलम वैली हम लोग जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता नीलम वैली के बारे में, हमें भी ज़्यादा नहीं पता, हम जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप लोग आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और नीलम वैली नहीं जा रहे, तो आप लोग अपनी गाड़ी वापस घुमा लें और वहीं चले जाएं जहां से आप निकले, क्योंकि नीलम वैली के बगैर आज़ाद जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है भाई। और अगर आपको हेवन ऑन अर्थ देखना है, मैं मजाक नहीं करी, हर बंदा जो वहाँ जाता है वो कहता है कि ये हेवन ऑन अर्थ है, पूरी वीडियो देखो। हाँ, और वहाँ पे काफ़ी और भी इलाके हैं, जैसा कि नीलम वैली में मेरे ख्याल से शारदा है, कुटो है, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। उसके अलावा एक और है, क्या नाम है उस जगह का, लीपा वैली, थोड़ा सा अलग है वो नीलम वैली की तरफ नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक दो और इलाके हैं। खैर वो सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जिस जगह हम लोग ठहरे हुए थे, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ला औरिला होटल है, ये बिल्कुल मुजफ्फराबाद में नहीं है, थोड़ा सा पहले आता है, और हमने इसलिए चूज किया बिकॉज़ वी डिडंट वांट टू बी इन द हसल बसल ऑफ द सिटी। हाँ बिल्कुल, हम लोग शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उसी सबसे यही सारी चीज़ों से भाग के हम लोग यहाँ आए, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुके। लेकिन फैमिली के लिए परफेक्ट जगह है। सो इनाया ओवर हियर इज वेयरिंग अ लिटिल अजर्क ड्रेस। इनाया जंप, इनु जंप, ये घोड़ा, सारे घोड़े हैं। ये तो कोई बात नहीं, शर्मा क्या रहे हो, लड़की थोड़ी क्यों रहे? लड़कियां शर्माती हैं, लड़के नहीं शर्माते। कहाँ रहते हो? पहाड़ पे रहते हो? कितने साल के हो? 12 साल। और ये जो बच्चे हैं ना, ये देखें, ओह माय गॉड, ये जो सिर्फ बैक फ्लिप है, तुम सबको नहाना आता है? इसी पानी में नहाते हो? स्विमिंग आती है, तैराकी? ये फिर से करने वाला है। गॉड नेक्स्ट टाइम मैन, लेट्स टेक दिस वन। तो हम लोग इस टाइम पे पहुंच चुके हैं पंचग्राम वाटरफॉल, और पंचग्राम वाटरफॉल जो है वो तकरीबन मुजफ्फराबाद से 1 या 1.5 घंटे दूर है, और हम लोग अभी जा रहे हैं नीलम वैली, वादी नीलम हम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कभी वादी नीलम जाए मुजफ्फराबाद से होते हुए, तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा, बड़ा फिट किस्म का स्टॉप ओवर है, बड़ा प्यारा सा यहाँ पे ढाबा बना हुआ है जहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिल रही है। और यार इधर पहले तो हॉर्सेस थे जो खड़े हुए थे, दे वर सो क्यूट, कश्मीरी उन्होंने आउटफिट्स बनाए थे घोड़ों को, आई डोंट नो, इट वाज सो क्यूट। लेकिन इधर बच्चे नहा रहे थे, दे वर लाइक डूइंग बैक फ्लिप्स, और क्या जवान, वाकई में क्या जवान के बच्चे हैं, क्या सख्त लौंडे, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के नीचे कूद रहे, पानी में छलांग मार रहे। तो अगर आप लोग भी कभी इस तरफ आए हैं तो आप लोगों को ये जरूर करना है, अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप लोग हल्के हैं यार। ये क्या नहीं लेकिन मैं सख्त हूँ। हम सबके दिलों में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने ख्वाबों में जाते हैं, उसकी तस्वीरें देखी होती हैं या बातें सुनी होती हैं बड़ों से, और दिल करता है कि एक दफ़ा ज़िंदगी में इसको सच में अपनी आँखों से देखें। मेरे लिए वो जगह कश्मीर है और रहेगी। मेरा बचपन से दिल करता था कि मैं कश्मीर देखूं। I have always in my life wanted to go to Kashmir because मेरी दादी मुझे कश्मीर की कहानियां बताती थी। कश्मीर पहुंच के मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई में कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ। जो चीज़ें सुनी थी, जो तस्वीरें देखी थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्यारा है, और आगे आगे और ज़्यादा प्यारा होगा। एक रॉ ब्यूटी, अनटच्ड चीज़ जो दुनिया में है, जो किसी ने अभी तक ख़राब नहीं की, और एक ऐसी जगह जो आप सबको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर देखनी है। हाँ, और एक बात तो करना भूल ही गई, ये तो कश्मीर की सिर्फ पहली वीडियो है, अगली दो तो ऐसी हैं कि धमाका कर दें। तो जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
ये देखो झंडा, वो देखो, वो इंडिया का झंडा। कश्मीर को लफ्जों में बयान करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है यार, लेकिन फिर भी मैं इसको जन्नत का टुकड़ा कहूँगा। पर इस जन्नत के टुकड़े ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बगैर कश्मीर विजिट किए हमारा पाकिस्तान टूर कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। तो अगर आप लोग अगली गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप जाएं सीधा कश्मीर। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती अनटैप्ड और रॉ है, और ऐसी खूबसूरती आपको शायद ही कहीं और मिले। ठंडक हो रही है। कितने साल की हो? कितने साल की हो? मैं 5 साल की। स्कूल जाती हो? स्कूल बाय करो अपनी दोस्तों को। टाटा। हाँ तो मुजफ्फराबाद से थका देने वाला सफर जो है हमारा अख्तितम पसीर हुआ। हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम पे कुटन, और कुटन के पीछे आप लोग देख रहे हैं ये शानदार किस्म की आबशार। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कंडल शाही वाटरफॉल या आबशार। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब नायग्रा फॉल ने बच्चा दे दिया, और पाकिस्तान में भी नायग्रा फॉल है भाई। कौन कहता है नायग्रा फॉल कनाडा में? हमारे पास भी है, ये देखो, ये मिनी नायग्रा फॉल है। और पापा ने तो देखी हुई है नायग्रा फॉल। पापा ने तो नायग्रा फॉल देखी हुई है। और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का ढाबा बना हुआ है जहाँ पे पापा सस्ता गर्मा गर्म करारे पकौड़े चल रही है, उसके साथ चाय का इंतजाम किया है, तो प्रॉपर बंदोबस्त है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं मुजफ्फराबाद, आप लोगों को कुटन आना है, कुटन के पकौड़े खाने और ये वाटरफॉल इंजॉय करनी है। इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि यहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग कल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? केरन से फारिग होकर हम लोग मजीद ऊपर जाएंगे, केन और फिर आड़न केन और जितनी भी जगह बीच में आएंगे वो सारी कवर करेंगे, आप लोगों को अपडेट देंगे। किनाया बहुत खुश है। इट्स लाइक द बेस्ट वेदर एवर। तो भाई चाय तकरीबन तैयार है, चाय आने वाली है, तो मैं कटता हूँ, आप लोग भी कटे। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी।